नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। मैं मौजूद हूं साहब अभी गोंडा में। साहब, एक ब्रॉडकास्टिंग बिल आने जा रही है। अब कौन कितना बोलेगा, कौन कितना मुंह खोलेगा, ये साहब सरकार तय करेगी। देश 1947 में आजाद हुआ। बाबा साहब का संविधान तब से इस देश में लागू है और वर्तमान सरकार एक बिल लाने जा रही है, ब्रॉडकास्टिंग बिल, जिसमें यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को ये तय करना होगा कि वो क्या बोलेंगे और अपना मुंह कितना खोलेंगे। एक कहावत है साहब कि अब गूंगे हमको सिखा रहे हैं कि मुंह कितना खोला जाए। साहब, अब सरकार तय करेगी और सरकार की ही जवाबदेही, सरकार को जवाबदेही ही देना होगा कि हम क्या बोलने वाले हैं और आप क्या सुनने वाले हैं, ये भी अब सरकार तय करेगी। आर्टिकल 19 और 21 आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी का हनन अगर कोई करने जा रहा है तो वर्तमान सरकार करने जा रही है। वर्तमान सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल जल्द ही लोकसभा में पेश करेगी। क्या वाकई में आपके मुंह पे ताला लग जाए, ये आप चाहते हैं? क्या वाकई में सरकार के समर्थन में ही कसीदा पढ़ा जाए, आप चाहते हैं? क्या वाकई में सरकार से सवाल पूछना बेहद ही मुश्किल होने वाला है? साहब, ये तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा। ये जो नया नियम बनने जा रहा है, इससे होगा क्या कि अगर अनुराग ओझा सरकार के खिलाफ बोलेगा तो सरकार कहेगी चुप, मतलब चुप। अगर आप सरकार के समर्थन में कसीदा पढ़ते हैं तो सरकार खुश। अब साहब, अब एक चीज आप बताइए कि देश जब से आजाद हुआ तब से लोग सरकार की भी निंदा करते हैं, जो समझ में आता है सोशल मीडिया पर बोलते हैं, डालते हैं। लिखने पढ़ने हंसने कूदने नाचने सबकी आजादी है। आप कहाँ घर खरीदेंगे, ये भी आपको संविधान अधिकार देता है। आप, संविधान कहता है कि आप क्या खाएंगे क्या पियेंगे, सब संविधान तय करता है कि आप जो चाहें खा सकते हैं, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी में सब कुछ आता है। लेकिन अब सरकार जो ब्रॉडकास्टिंग का बिल ला रही है, इससे साफ इनकी जो मंशा है, इससे साफ पता चलता है कि वर्तमान सरकार चाहती है कि अब इनके ही समर्थन में कसीदा पढ़ा जाए, सरकार से कोई सवाल ना पूछा जाए, सरकार की वाहवाही की जाए। लेकिन साहब, ये अपने से तो होगा नहीं। सरकार का समर्थन करने वाले लोग खुश हैं, कुछ लोग इस बिल की निंदा कर रहे हैं तो कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। निंदा साहब वो लोग कर रहे हैं जो सरकार से सवाल पूछते थे। साहब, मैं भी इस कानून की, इस नियम की घोर निंदा करता हूं। और मुझे जहां तक मालूम है कि आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इस सब के सब लोग इस बिल की निंदा करेंगे, क्योंकि ये जो बिल है ये मुंह पे ताला लगाने वाली बिल है। अंधे निकाल रहे हैं नुक्स मेरे किरदार में और बहरे कह रहे हैं कि आजकल मैं गलत बोलता हूं। तो ये अंधी गूंगी बहरी निकम्मी सरकार ऐसा बिल लाकर साफ जाहिर करना चाहती है कि यह सरकार अपने समर्थन में ही सुनना चाहती है, इनके विरोध में कोई ना बोल सके। मैं पर्सनल क्या बोलूंगा ये भी सरकार अब सुनना नहीं चाहेगी। ये बिल कब तक लागू हो जाएगा साहब, ये जानना तो बेहद जरूरी है। लेकिन वर्तमान सरकार इसे जल्द ही लोकसभा में पेश करने वाली है। आप बताइए साहब जरूर कि अगर आप भी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर सरकार के खिलाफ कुछ लिखते हैं तो आपको भी बहुत सोच समझ कर लिखना होगा। अगर आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो आपको भी सोचना समझना बेहद ही जरूरी हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये बिल बनाने के बाद में सरकार और भी बिल बना सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि साहब हम कितना बोलेंगे ये भी सरकार ही ना तय कर दे, हम क्या खाएंगे ये भी साहब सरकार ही तय करेगी। क्योंकि ये जो नियम आ रहा है ये भी तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए है, यूट्यूबरों के लिए है, कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाने का ही काम कर रही है। लेकिन साहब, अगर आज नहीं बोले, अगर आज आप लोग नहीं बोले तो ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि आपके मुंह पे भी ताला लगाने की ये सरकार काम करेगी। ब्रॉडकास्टिंग बिल का मैं घोर निंदा करता हूँ और समर्थन करने वाले लोगों से मैं एक ही चीज पूछता हूँ कि आप वही लोग हैं जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। साहब, सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार का आप विरोध करते हैं। सरकार की नीतियों का घोर निंदा होना चाहिए। सरकार की बहुत नीतियाँ हैं जो अचिंताजनक होती हैं, सरकार की बहुत नीतियाँ होती हैं जो कष्टदायी होती हैं, सरकार की बहुत नीतियाँ होती हैं जो जनता के हित में होती हैं। लेकिन ये ब्रॉडकास्टिंग वाला जो है ये आपके हित में कितना है साहब, आप खुद समझदार हैं। अगर आप पढ़े लिखे होंगे, अगर आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को, तो आप एक बार चिंतन जरूर कीजिएगा, मंथन जरूर कीजिएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, पूरे सांसद की, संविधान सभा की कमेटी ने इतनी मेहनत की तब जाके हमारे देश का संविधान बना। हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से जाकर आज़ाद हुआ और आज फिर से एक सरकार आई है जो हमारा मुंह बंद करवाना चाहती है। इसकी मंशा क्या है साहब, ये सरकार क्या चाहती है,
क्या वाकई में ये अंग्रेजों वाली सरकार है, क्या वाकई में ये सरकार आपके मुंह पर ताला लगाना चाहती है, सब साफ जानना बेहद ही जरूरी था। हमने कहा आपको क्यों ना बताया जाए, पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और ये सरकार के बिल का मैं घोर विरोध करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ, और आप लोग भी कड़ी निंदा कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।